हेलो। ठोक हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। स्पेशल ऑप्स एक एक्शन थ्रिलर और एक्साइटिंग फिक्शनल स्टोरी है जो पास्ट 2 डेकेड्स के रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए उसके सीजन 1 का रिकैप लेके आया हूँ। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसे वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। स्पेशल ऑप सीजन 1 2001 पार्लियामेंट अटैक से शुरू होता है। अटैक में 5 टेररिस्ट 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में घुसकर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट को मार दिया जाता है। हिम्मत सिंह, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उन्हीं के ओर पूरा सीजन घूमता है। नरेश चड्ढा और डीके बनर्जी दोनों रॉ ऑफिसर हैं और एक रॉ ऑडिट मीटिंग कंडक्ट करते हैं। हिम्मत सिंह को बुलाते हैं ताकि हिम्मत ने जो 28 करोड़ पिछले 11 सालों में मिसलेनियस के नाम से खर्च किए हैं ऑपरेशन में, उनका वो हिसाब दे। हिम्मत एक्सप्लेन करता है कि उसने दुनिया भर में अपने सीक्रेट एजेंट प्लान कर रखे हैं। ये एजेंट्स हिम्मत को फॉरेन इंटेल और इंटेलिजेंस देते हैं। हिम्मत ऑडिट मीटिंग में ना इनकी आइडेंटिटीज बताता है और ना ही अपने ऑपरेशन की डिटेल्स बताता है। उसके 5 एजेंट्स हैं, फारूक अली, रूहानी खान, बालाकृष्णा, जूही कश्यप और अविनाश। मिस्टर चड्ढा और मिस्टर बनर्जी हिम्मत से उसकी 2001 पार्लियामेंट अटैक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद अब्बास शेख, जो एक पुलिस ऑफिसर है, के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हिम्मत का मानना है कि पार्लियामेंट अटैक में 5 की जगह 6 टेररिस्ट थे और 6th टेररिस्ट वो 5 टेररिस्ट का लीडर था, जिसका नाम इकलाक खान है। हिम्मत की इकलाक खान वाली स्टोरी पर कोई विश्वास नहीं करता। 2008 के ताज अटैक के बाद अजमल आमिर कसाब को अरेस्ट कर लिया जाता है। हिम्मत अजमल को इंटरोगेट करता है। वो बोलता है कि उसको वसीम कराची वाला, जो वेपन एक्सपोर्ट करता है, और एक कमांडर ने ट्रेन किया है। हिम्मत को लगता है कि कमांडर इकलाक खान है। वसीम हर मंथ इस्माइल हसन से मिलने जाता है। हिम्मत वसीम को कैप्चर करने के लिए फारूक को उसके फर्स्ट मिशन ऑपरेशन स्माइली पे भेजता है। फारूक जूही की मदद से वसीम को दुबई एयरपोर्ट पर कैप्चर कर लेते हैं। फारूक के इंटरोगेट करने पर वसीम खुद को मार देता है। वो इस्माइल के बारे में पता करने के लिए दुबई में सेटल हो जाता है। इस्माइल हसन हाफिज अली के अकाउंट फाइनेंस देखता था। 2012 में फारूक इस्माइल का क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड बन जाता है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के कारण हाफिज को न्यू करेंसी कश्मीर भेजना होती है। इस्माइल न्यू करेंसी भेजने के लिए फारूक की मदद लेता है। इन प्रेजेंट डे 2019 में हिम्मत रावलपिंडी पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बाहर ब्लास्ट करवा देता है और ब्लास्ट का इल्ज़ाम नूर बख्श पर डाल देता है। नूर बख्श जमानत उल तारीख का चीफ है। नूर बख्श के सारे एसेट, फंड और बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। अब नूर बख्श हाफिज के जरिए इकलाक खान की मदद लेता है। हाफिज फारूक की मदद से बाकू में एक डील करवाता है। हिम्मत सभी एजेंट को बाकू भेजता है इकलाक खान को मारने के लिए, जो डील करने बाकू में आगने वाला था, लेकिन ये ऑपरेशन शैडो नाकामयाब हो जाता है। हाफिज बाकू में एक शादी भी अटेंड करता है। हिम्मत हाफिज को उस शादी में कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। बाला के हमले करने पर हाफिज बाला को मार देता है। इंडिया में हिम्मत को दिल्ली में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सूर्य कुमार हिम्मत से बॉम्ब ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से डेलीगेशन और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं। सूर्य कुमार डेलीगेशन का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। हिम्मत के इनकॉपरेशन के कारण मिस्टर चड्ढा और मिस्टर बनर्जी उसके लिए सारे फंड्स बंद कर देते हैं। हाफिज स्माइल को बाकू में हुए हमले के बारे में बताता है। हाफिज को फारूक पे शक हो जाता है। फारूक ने स्माइल का फोन टैप कर रखा था और सब सुन लेता है। वो अपने आप को बचाने के लिए स्माइल पे इल्ज़ाम डाल देता है। हाफिज कन्विंस हो जाता है कि बाकू पे हाफिज पे जानलेवा हमला स्माइल ने ही करवाया है। स्माइल से ये पता चलता है कि दिल्ली में अगले दिन 11 बजे हाफिज की तीसरी वाइफ सादिया कुरैशी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली है। फारूक स्माइल को जान से मरवा देता है। इसी बीच अब्बास हबीब नायक को अरेस्ट करता है। हबीब नायक लड़कियों की ट्रैफिकिंग करके लड़कियों की शादी दूसरे देश में करवाता था।
हिम्मत हबीब नायक को इंटरोगेट करता है और ये बताता है कि हबीब ने ही सादिया कुरैशी की शादी इकलाक खान से करवाई थी। हिम्मत को पता चलता है कि हाफिज़ ही इकलाक खान है। 19 सालों के बाद इकलाक खान का पता लगाकर हिम्मत खुश हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट के दिन इस्लामाबाद में फारूक अविनाश और रूहानी की मदद से इकलाक खान को मार देता है। इंडिया में हिम्मत सूर कुमार और सादिया की छोटी सिस्टर फराह के बारे में बताता है। सूर्य कुमार ब्लास्ट के पहले ही दोनों सादिया और फराह को कैप्चर कर लेता है और बम ब्लास्ट ना होने पर नूरबख्श निराश हो जाता है। सो ये सब हुआ सीज़न वन में। अब सीज़न 1.5 आने वाला है, सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।